50% का उम्मीद कर सकते। चलिए सर, आज कल मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई आपकी, क्या कहना है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? माननीय मुख्यमंत्री जी से जब चुनाव संपन्न हो गया था उसके बाद पूर्ण बहुमत पे जब आए तो हमारे साथ जितने भी उद्योगपति आकर के उनका जो प्रतिनिधिमंडल मिला था मुख्यमंत्री जी से, उन लोगों ने कहा कि आप जा करके हम लोग हमारे तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दे दीजिए। उनका औद्योगिक नीति जो है हमारे देश में ऐसा कहीं नहीं है जो उत्तर प्रदेश का है, और हम लोग पूरी तरीके से निष्ठा से उद्योग लगाने के लिए भारी मात्रा में पूरी तैयारी कर ली है, और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य होगा जो विकास में सबसे टॉप पे होगा। उसी परिप्रेक्ष्य में कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, उनको बधाई दिया, बहुत सही सम्मान हुआ। एक चीज था कि निकला था कि जो खाली है प्लाट वो अलाट कर दिया जाएगा। हम लोगों ने और हमारे साथ तमाम उद्योगपतियों ने उसका भरा था, लेकिन कोड नंबर नहीं दिया गया था और उसको एक तरीके से ब्लॉक था, और लास्ट में उसको जिस दिन टेंडर खत्म हुआ तब उसको ओपन हुआ। उसकी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत अपने सचिव से कह के महेश्वरी जी से जो MD हैं कानपुर में UPSID से उनसे बात कराई, और एक प्रोजेक्ट लगना था बहुत बड़ा सोलर का, उसकी भी बात कराई पावर कॉर्पोरेशन में, वहां जाके बात किया। एक हमारे पंजाब के उद्योगपति नरेश अरोड़ा जी ये पशु आहार का चाहते हैं बनारस में बहुत बड़ा उद्योग लगाना, उसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर दिया। मुख्यमंत्री जी ने उसमें भी कहा कि एक नहीं आप 100 लगाइए, हर जगह आप लोगों को जगह मिलेगा, वन विंडो काम मिलेगा, वन विंडो से सारा काम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस हिसाब से हमारी बात को गंभीरता से लिया और सब समाधान किया, और पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रमुख सचिव औद्योगिक से मिलवाया था, उसके बाद सारे काम हो रहे हैं, सब काम हो रहे हैं। अब हम लोग जुलाई या अगस्त तक का एक ताज होटल में समिट कराएंगे जिसमें 200-250 उद्योगपति बुलाएंगे, उसमें हम उद्योगपति मिल करके करेंगे। आज देखिए, आज के सरकार बुलाती थी लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से लाइन ऑर्डर मेंटेन किया है, जिस हिसाब से चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, उस हिसाब से आज उद्योगपति स्वयं अपने पैसे से समिट कराने के लिए तैयार हैं, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को और उद्योग मंत्री जी को हम लोग बुलाएंगे, उन्हीं के सामने सारे प्रपोजल सारी चीज रखी जाएगी, कितना इन्वेस्ट हो रहा है वो सब रखा जाएगा, उसमें बड़े बड़े उद्योगपति सब आने के तैयार हैं। चलिए शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर।